हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक एनजीओ भवन में जिला अध्यक्ष अजमेर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें विशेष तौर पर प्रदेश अध्यक्ष बलराम पुरी ने शिरकत की तो निदेशक मंडल परिवहन विभाग बलदेव धीमान भी मौजूद रहे। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों पर चर्चा की गई तो समय पर पेंशन दिए जाने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी आभार जताया गया। एनजीओ भवन में आयोजित बैठक में बचे हुए महंगाई भत्ता 65-70-75 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को 5-10-15% की बढ़ोतरी करना, महंगाई भत्ते का एरियल व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने की मांग की गई। प्रदेश अध्यक्ष बलराम पुरी ने कहा कि बैठक में समय पर पेंशन अदायगी होने के लिए सीएम और परिवहन मंत्री का आभार जताया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में तो 5 सालों तक परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के लिए परेशानी रही है। जो यहाँ पर एक निदेशक मंडल होने के नाते जो यहाँ के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी सारे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हैं, उनके साथ जो पिछली सरकार ने बिल्कुल उनका शोषण किया था, उनके ऊपर बहुत ही ये गैर जिम्मेवाराना ढंग से वरिष्ठ नागरिक होने के नाते भी उनके ऊपर जो अत्याचार ढाए थे, उनके हर एक चीज को रोक के रखा था। आज हिमाचल प्रदेश की सरकार आते ही माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर जी तथा अन्य हमारे प्रदेश सरकार, पूरी प्रदेश सरकार ने जो हमारी बातों को सुना, इनके दुख दर्द को समझा और निदेशक मंडल में सबसे पहले जो 2015 से जो डीए जो महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी उसको यहां पर जो है उन्होंने एकदम खोला और कई भर्तियों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए जो भी पिछली सरकार ने गलत काम किए थे, चाहे वो गाड़ियों की खरीद की बात है, चाहे दूसरे घोटाले हैं, उनके चिंतन मंथन के लिए ही आज यहां पर बैठक रखी गई थी। इसके मंडल में बोर्ड में जो निर्णय हुए हैं वो उनको, इन लोगों को हमने अवगत करवाया तथा इन लोगों की जो वहाँ पर समस्याएँ हैं, काफ़ी समस्याएं हैं अभी तक उनको निपटाना है, उनको सारी बातें जो है हम जो है सरकार के साथ तथा निगम प्रबंधन के साथ वहां लेके जाएंगे और सारी बातों का जो है बड़े ठीक ढंग से उसका हम निवारण करेंगे। तो जो एचआरटीसी में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, फैला गया जड़ से, वहां पर बहुत बुरी हालत है, उसको खत्म करने के लिए हम जो हमारा यथासंभव हम प्रयास करेंगे। वहीं जिला अध्यक्ष अजमेर सिंह ठाकुर ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन अदायगी के लिए सरकार के नए निर्णय सराहनीय हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पेंशन समस्या का स्थायी समाधान के लिए प्रयास किए जाएं और रोजाना रेवेन्यू से 7% पेंशन फंड के लिए दिलाया जा रहा है। धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि पेंशन के स्थायी समाधान के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं कि जो रेवेन्यू एचआरटीसी का रोज का आता है उससे 7% जो है वो पेंशन फंड में डालने के आदेश सरकार ने कर दिए हैं और वो लागू हो चुका है। परंतु मैं सरकार से इस मत से ये भी मांग करना चाहता हूं कि उस पैसे से जो है 6,000 कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी पेंशन फ्री नहीं होती है, तो उसे बढ़ा दिया जाए या उस पैसे को सरकार अपने खजाने में जमा करे और हमारे पेंशन फंड जो सरकार बनाए उसमें बजट में प्रावधान करे ताकि सभी कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिले और पेंशन का स्थायी समाधान हो।